सबसे पहले हमने यहाँ से ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लेना है, और जब ये लैंडस्केप हो जाएगा तो स्क्रीन साइज को थोड़ा जूम आउट करके देख लेना। अब इसमें है क्या, देखिए इसके अंदर एक तो बैकग्राउंड है, उसमें कुछ ग्रे राइट शेड है, कुछ ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसा मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर हमने जनरेट की हुई है। इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे हम इसके अंदर, यहाँ से डिजाइन में जाके पेज कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल इफेक्ट पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें इस तरह के टेक्सचर दिखाई देंगे, वन कलर टू कलर। टू कलर शेड्स को हम लेंगे, एक लेंगे हम थोड़ा सा लाइट ग्रे, एक हम लेंगे थोड़ा सा डार्क ग्रे, और दोनों को हम इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का शेड ऐसे बैकग्राउंड पर आ जाएगा। अब अगर लाइट को डार्क करना है तो उसमें फिर ये के फिल इफेक्ट को जाके जो लाइट नीचे लिया है वो डार्क ऊपर कर दो, इस तरीके से कुछ मामले को चला लो। यानी कि ये वाला है लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ये सही रहेगा। ओके कर देते हैं, तो ये डार्क टू लाइट ऐसा हो जाएगा। उसके बाद और ज्यादा लाइट करना है तो उसके लिए फिर ये फिल इफेक्ट में जाके ये लाइट कलर और ज्यादा लाइट कर लो, फिर ये डार्क टू लाइट, और इस तरह से ओके कर दो, तो ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपने, ये इस तरह का शेप बनाना है। अब इस तरह का शेप इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे, और शेप जो इस तरह का हमें मिलने वाला है वो कौन सा होगा, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये एक शेप इसके अंदर जो मौजूद है इसको हमने ट्राई करने की कोशिश की है। तो इसको यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, और ऑल्टर के साथ, शिफ्ट के साथ, या फिर ऑल्टर के साथ एक तरफ से इसको ड्रैग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं, ये देखिए हमने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आगे इसका जो पॉइंट देख रहे हैं येलो वाला, ये ऑरेंज पॉइंट, इससे आप इसको इस तरह से स्क्वायर में और जितना चाहें कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या देखा कि इसके अंदर यहाँ पर जो है ये ब्लू है, फिर डार्क ब्लू है, फिर येलो है। अब ब्लू डार्क ब्लू येलो, तो यहाँ पे तीन कलर शेड्स है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं इस तरह से, और इसको करने के बाद पहले इसको दे देते हैं हम इसको एक शेप देते हैं जो कि ये इस तरह का दे देते हैं। तो आपको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो कंट्रोल डी जैसे हम करेंगे इसको डुप्लीकेट करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा एक, और यहाँ पे क्लिक करके और इसको शेप फॉर्मेट पर जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको देंगे हम ब्लू। ब्लू करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से छोटा कर लेंगे। अच्छा छोटा कर लेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये चीज इस तरह से आ जाएगी। अगर अच्छा तो छोटा भी नहीं करते तो फिर ये येलो वाला पॉइंट है ना इसका, ब्लू वाले का, इसको इस तरीके से ऊपर कर ले। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट आ जाएगा, इसको उठा के फिक्स करेंगे और यहाँ से क्लिक करके एक लाइट ब्लू कलर देंगे इसके ऊपर, डार्क ब्लू के बाद ये वाला लाइट ब्लू। लेकिन ये थोड़ा बहुत ज्यादा लाइट ब्लू हो गया, तो इसी डार्क ब्लू का लाइट ब्लू बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका ये हो सकता है, पहले इसको कलर कलर क्लिक करें और फिर यहाँ से मॉर्फल कलर में जाए, फिर ये जो कलर है इसको थोड़ा सा लाइट कर दें उस तरीके से। ओके करें, ये देखिए इस तरह का निकल आएगा कलर, और ये भी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। तो फिर अंडू करके दोबारा से दोबारा चले जाएं इसके अंदर मॉर्फल कलर से, हल्का सा स्लाइडली स्लाइडली चेंज करें, ये देखिए इस तरह से फिर ये कलर निकल आएगा। इसके बाद इसका ये येलो वाला पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर लें, ये देखिए ये इस तरह का शेड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये साइड्स जो है इसकी कैसे बननी है, देखिए साइड्स इसकी दोनों साइड कैसे बननी है। तो इसके लिए हम जो शेप यूज करेंगे वो ट्राइंगल यूज करेंगे। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल में एक खास बात होती है, ये वाला जो एंगल है इसको कहीं भी आप सेट कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, जैसे चाहे सेट कर दें, और सेंटर में रखना सेंटर में रखें। लेकिन अब इस ट्राइंगल को हमने रोटेट कर लेना है, तो ये रोटेट हो जाएगा इस तरह से, और उसको उठा के हमने इस तरह से रखना है। ठीक है, अब दिखाना कैसे है कि भाई ये इसके अंदर से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक आने के लिए आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करके खींचना पड़ेगा, और जब इसको खींचेंगे आप तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब इसको राइट बटन दबा के टू बैक करेंगे, तो यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब यही वाला उस साइड पे चाहिए तो इसी का कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, और इसको यहाँ से ले जाके हम क्या करेंगे, रोटेशन में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, और उसको उठा के इसी की सीध में यहाँ पे ले जाके एडजस्ट करेंगे, जैसे किया था उसको एडजस्ट इस तरह से।
राइट बटन दबा के फ्रंट टू बैक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जैसे इसको ऊपर गया हुआ, तो ये इस तरह से दोनों साइड पे बन जाएगा। क्लिक करके इस पर कलर जो हमें डालना है वो शर्ट्स में इफेक्ट्स में डालना है, उसी तरह से यहाँ से क्लिक करेंगे। पहले इस पर ग्रे कलर ले लें, इस्तेमाल के ऐसा करें, यहाँ क्लिक करके मोर ग्रेडियंट्स पे चले जाएँ। मोर ग्रेडियंट्स में यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे, और ग्रेडियंट्स जो यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ से आपको ग्रेडियंट आपने कलर चूज करना है। तो ये तो सारे अलजी गरीब कलर आ रहे हैं, हम अपना ग्रेडियंट बना लेते हैं जो उसका दिया हुआ है। उसमें ये कि दो स्टॉप्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, दो को मैंने डिलीट कर दिया, दो रहेंगे कम से कम। तो एक स्टॉप पे क्लिक करें डबल क्लिक, बल्कि डबल क्लिक से अगर काम नहीं हो रहा है तो उसको नीचे क्लिक करें एक स्टॉप पर, और क्लिक करें यहाँ से, तो एक पहले कलर लें लाइट ग्रे, दूसरे पे क्लिक करें और दूसरा कलर लें आप यहाँ से थोड़ा सा डार्क ग्रे। फिर इनफैक्ट जो शर्ट्स का जो एप्लीकेशन है वो कैसे करें, रेडियल में करें, रेक्टेंगुलर में करें, या फिर लीनियर में करें, तो लीनियर में रख लेते हैं इसको। और ये शर्ट स्टाइल नजर आ रहे हैं, देखिए किस तरह से आपने अप्लाई करना है। स्टॉक इसका साथ हम कर दें यहाँ से, तो ऑफलाइन इसके हमने यहाँ से खत्म करेंगे तो फिर ये दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कलर के साथ मिक्स हो रहा है, इसे थोड़ा कलर डार्क करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ से कलर को दोबारा चेंज करते हैं, तो थोड़ा डार्क लेते हैं, फिर उससे भी ज्यादा डार्क लेते हैं नीचे की तरफ, ताकि वो थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करे इसके अंदर। ये देखिए इस तरह का वेरिएशन क्रिएट करे और इफेक्ट की पोजिशन भी रहे। तो यही इफेक्ट हमें फिर इस पर देना है, तो यहाँ से होम पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो इसको ये अपने जैसा बना देगा। याद रखें फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इसका फॉर्मेट लेगा और जिस शेप पे लगाएंगे या टेक्स्ट पे लगाएंगे उसको अपने जैसा कर देगा। तो ये देखिए ये इसके साथ इस तरह का बन जाएगा। बाद में ग्रुप फाइव से घुमाएंगे, नहीं तो फिर वो तो मैं चलो वैसे भी सही है कर लेंगे। तो ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे अपने शेप को, तो ये इसे कंप्लीट हो जाएगा। अब रह जाएगा बीच वाला हिस्सा। अब बीच में ये पत्तियां वत्तियां तो इसमें नहीं बना सकते, मेरा लिए इस तरह का डायल वगैरह थोड़ा सा इसका बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, फिर इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली लोगोज जो होती है ना पिक्चर्स होती है, तो इस पर थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं बनाने की। वन बाई वन का एक हम पहले बनाते हैं, कितने का बना फॉर्मेट शेप में जाकर देखते हैं साइज में, टू बाई टू का है, तो चले टू बाई टू का करते हैं इसको पूरा। टू इसको यहाँ से विड्थ में लिया और टू यहाँ से हमने हाइट पे लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको टू बाई टू का बना लिया, तो सेंटर पे रखा इसके यहाँ पे, ताकि इस तरह से नजर आए। और इसे क्लिक करने के बाद टू बाई टू पर आपने यहाँ से क्लिक करके शेप में चेन शेप में जाएंगे, उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा शेप हम देंगे यहाँ से 32 पॉइंट्स का, ये हमने शेप दे दिया। और इसको थोड़ा सा क्लिक करके हमने यहाँ से ये वाला जो है इसको ऐसे थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का शेप इसमें आप इजीली इस तरह से ले सकते हैं। अब आते बात की इसके ऊपर ये इफेक्ट्स हैं और कुछ एक और है, तो फिर वही तरीका कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट करेंगे। तो पहले डुप्लीकेट करके पहले इसको देख लेते हैं, इसका डार्क ब्लू कलर है, कौन सा कलर है, और इसका इस तरह का कलर है, तो ये गोल्डन कलर टाइप होता है, तो इसको क्लिक किया हमने यहाँ पे। इसके स्ट्रॉक्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके स्ट्रॉक्स करने के लिए नो आउटलाइन, आउटलाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से कहते हैं इफेक्ट्स पर जाके, अब इसके इफेक्ट्स को देखें कि हम क्या मैनेज करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से, इसको बंद कर देते हैं और इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पर कर लेते हैं। इफेक्ट्स पर जाके यहाँ पे बीवेल्स पे देखते हैं, अरे यार चलो उसको इस साइड पर करते हैं। इफेक्ट्स पर जाके यहाँ से उसको बीवेल पे क्लिक करते हैं, वो दिख नहीं रहा पीछे, ये बीवेल्स में इफेक्ट इस तरह के अप्लाई हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो क्या करूँगा उसको अब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इफेक्ट आपको बीवेल्स में मिल जाते हैं, जो उसके साइड्स को थोड़ा सा किनारे वगैरह बना दें उसके, ये सारे इफेक्ट यहाँ से आपको मिल जाते हैं। आई थिंक ये वाला इफेक्ट है उसको जो डला हुआ पिक्चर में, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी अच्छा है, यही लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ड्रॉप शेडो दे देंगे, ताकि पीछे की तरफ जो है शेड भी इसका आ जाए, तो यहाँ से हम इसका शेड जो है पीछे की तरफ इसका आ जाए। तो ये देखेंगे इफेक्ट इसके ऊपर इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसके अंदर गोल सर्किल के अंदर ये दे रहे हैं, तो सर्किल बनाते हैं, पहले चेंज शेप करेंगे और सर्किल बना देते हैं यहाँ से क्लिक करके, ये सर्किल बन गया। और इसको क्लिक करके हमने डार्क ब्लू कलर दे देना, ये डार्क ब्लू कलर दे दिया हमने इसके ऊपर, और इसके आउटलाइन को खत्म कर देना, तो हमने नो आउटलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा कम करना है, वो टू बाई टू का है, तो इसको कम करके 1.75 पे कर देते हैं, 1.75 by 1.75, ताकि बिल्कुल सर्किल शेप में रहे। तो ये देखिए इस तरह से इस पर लगा देंगे, और इस पर लगाने के बाद ये हमने इसको 1.75 पे सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद हमें क्या करना है इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखें
सर्किल उसके भी अंदर है। तो अच्छा फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल डी करके, और इस पर भी गोल्डन कलर डालते हैं, और इसको गोल्डन कलर डाल के देखते हैं कैसा लगता है। गोल्डन कलर लगाया और इसको क्लिक करके फिर बीवेल देते हैं थोड़ा अनसाइड इनसाइड, तो ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से एक मिरर बन गया ना, ये देखिए, ठीक है। ये बीवेल इसका लगाया, फिर इसको भी इससे छोटा कर लेते हैं, 1.5 पे कर लेते हैं, 1.5 पे दोनों कर लिए 1.5, तो उसको लेकर आते हैं इसके नीचे। तो ये देखें इस तरह का शेप हमारा क्रिएट हो जाएगा, ये देखें इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। पीछे अवार्ड लिखना है वो आपकी मर्जी, लिख सकते हैं अवार्ड, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पे, और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे EWARD अवार्ड। अवार्ड लिखने के बाद टेक्स्ट वर्ड आर्ट ये रहा, ठीक है। तो इसमें अवार्ड लिखने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ से और बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा अवार्ड को, थोड़ा मोटे फॉन्ट में लिख देते हैं और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं। और फिर उसी तरीके से हमें दिखाना है कि इसके अंदर के भाई वो गोल्डन कलर का है, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। अब टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे कलर देना है, ये गोल्डन कलर हमने इसके ऊपर लगा दिया और उसके आउटलाइन से भी गोल्डन कलर यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए अवार्ड इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं, बाकी तो ये खुद ही टेक्स्ट वेस्ट डाल के आप इसको सही कर लेना, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन वगैरह वर्ड आर्ट के जरिए।